ये वाला जो होटल है इसके अंदर हमने नाइट स्टे किया था, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि इस वाले होटल के अंदर आप नाइट स्टे नहीं करें, बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी स्टाफ जो है वो कोऑपरेट नहीं करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे। रात को हमारे साथ क्या हुआ कि पानी नहीं आ रहा था, तो आधे घंटे का बोला उन लोग ने और आधे घंटे तक भी पानी नहीं आया, और उसके बाद में अभी मॉर्निंग में भी पानी नहीं आया, तो हमने मुंह भी नहीं धोया और यहाँ से हमारे को ऐसे ही बैग वगैरह पैक करके निकलना पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप कहीं वापस इस साइड में आते हो तो एटलीस्ट पहले ही आप पानी वगैरह चेक कर लेना, उनसे बात कर लेना कि अगर नहीं आया तो पेमेंट वगैरह नहीं करना है, और यहाँ आप कभी मत आना, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइज रास्ते में ये जो डैम है वो बहुत ही खूबसूरत है यार, इस वजह से यहाँ पे रुकने के लिए हम मजबूर हो गए। अब ये देखो आप, ये बीच में इतना ज़्यादा बड़ा डैम नहीं है, लेकिन बस ये जो पहाड़ों से जो पानी आता है उसको रोकने के लिए ये वहाँ पर डैम बना दिया, और अभी ये गेट खुला हुआ उसका। गाइस कुल्लू पहुंचने के बाद अभी ना भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो क्या है कि लंच वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हमारी प्लानिंग है रिवर राफ्टिंग करने की। तो सबसे पहले चलते हैं लंच करने के लिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अपनी जो राइड रहेगी मेरे पास, बेसिकली तीन तरह की राइड है, तीनों राइड की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहली जो राइड रहेगी वो शॉर्ट राइड है, 3 किलोमीटर की राइड है, 10 to 15 मिनट उसमें टाइम लिमिट रहती है। हाँ। और दूसरा है मीडियम राइड, 5 किलोमीटर की है, टाइम लिमिट उसमें रहेगी 30 मिनट अप्रॉक्स। ठीक है, इसके प्राइजेस आप क्या क्या लेते हो? प्राइजेस ऐसे देखिए, जो यूनियन रेट है हमारा 1000 रुपीज ईच पर्सन रहता है शॉर्ट राइड का, मीडियम का रहता है 1250 और लॉन्ग का रहता है 1500 ईच पर्सन। 1500 ईच। हाँ, और ऐसा है हम जो यहाँ पे एक्टिविटी करवाएंगे आपको प्रॉपर सेफ्टी के साथ करवाएंगे, लाइफ जैकेट हेलमेट आपको हम देंगे, आपके साथ में वेल ट्रेंड गाइड भेजेंगे जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड है इस सिचुएशन के लिए। ठीक है, इनकेस कुछ मिस हैपीनेस भी होती है आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, उस चीज़ के गाइड पूरा ट्रेंड रहता है। चलो ठीक है। तो गाइज राफ्टिंग का ऐसा है, हमने सबको डिसाइड कर लिया है, और सच बताओ ना इस बार बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में राफ्टिंग मिली है, 500 रुपये भी नहीं हुए, 450 रुपये पर मेम्बर में हमने एक बंदा सेलेक्ट किया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 6 जने का हमको 2500 रुपये देना है, और कम से कम 5 किलोमीटर की राइड होगी, और अभी चलते हैं राइड करते हैं। ये सारी जो भी ट्रेजेडी होने वाली है वो हमारे ही साथ होती है, क्योंकि हम लिखवा के आए हैं। अपने एक जो भाई हैं वो जो मॉडल है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता जुबान थोड़ी फिसल जाती है मेरी, तो उन्होंने क्या करा कि मतलब चाबी अपने यहाँ पे हाथ में लगाई और पानी में रिवर राफ्टिंग करने चले गए। अब ये बाद में वापस आए जब मालूम चला कि यार चाबी गायब है। ये गाड़ी टूटेगी, ये लॉक टूटेगा, सॉरी गाड़ी नहीं टूटेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आराम से आना, इतनी जल्दी लोग विश्वास नहीं हो रहा मुझे। टिकट साथ में लाने का क्या फायदा, अभी देख लो आप।
लॉक चाबी गुम हो गई थी, लॉक टूट गया है और अभी वापस इसको डायरेक्ट ऑटोमेटिक गाड़ी को करना पड़ेगा। उसके बाद ये गाड़ी चलेगी और 20 किलोमीटर यहाँ से मनाली है, उसके बाद में हम वहाँ से नई चाबी बनवाएंगे। चार स्टार्ट करके देखो एक बार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखा अक्षत भाई को साथ में लाने का नतीजा। घूमते घूमते पता नहीं कितने ऊंचे आ चुके हैं ना, लिटरली मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ पे जब हम इस घाटी से आ रहे थे ना ऊपर, सच में फट के हाथ में आ गई थी। सच में बहुत ज्यादा डर गया था यार, बट यहाँ का जो व्यू है ना इतना ऑसम है, इतना एक नंबर व्यू है ना यहाँ का, मैं बताता हूँ। ये देखो ये क्या चीज है, ये पता ना एप्पल है, इतने छोटे छोटे बड़े बड़े होते हैं ना, अब ये छोटे छोटे। अच्छा एक तोड़ ले क्या? बाबू ध्यान से जाना ना, अब ये अभी पके नहीं है, एक दो महीने बाद बड़े बड़े हो जाते लाल। अच्छा तो गाइस ये देखो ये छोटे से एप्पल है, अभी अभी पके नहीं है ये, देख ना ये नहीं चाहिए, ये मैं खा लूं। आपका आपका मोहन लाल करमचंद गांधी। चलो ठीक है भाई। ये हमारी जो नाइट की स्टे है वहाँ हम पहुँच चुके हैं, हमारी डेस्टिनेशन आज के दिन की यही रहेगी। दादा तक पहुँचते पहुँचते ना आज लंका लग गई अपनी यार।